अभी जस्ट लिस्ट खत्म की और भैया आ भी गए पुट्टी के लिए। नहीं नहीं आप करिए भैया का। इंद्रदेव चाहते ही नहीं है अप्सराएं बाहर निकलें। गुड मॉर्निंग एवरीवन और ममता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज है 9th of October और बज रहे हैं सुबह के 9। और ये रही मेरी डॉल अपनी डॉल के साथ सोती हुई। जब से इसको ये गिफ्ट में मिली है छोड़ ही नहीं रही है। ये हमारे वीर बहादुर जो मुझे आज मिले वीरिका के रूम में। सुबह आया था 8 बजे मुझे उठाने के लिए कि सुबह हो गई है, मुझे उठा के खुद सो गया। ये रही हमारी सुबह की पहली चाय। तो सुबह की पहली चाय के साथ आज का ज्ञान, ये उन लोगों के लिए जो रोते रहते हैं ना कि हम जिंदगी में खुश नहीं है, तो उनके लिए है कि रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटती भाई, ये तो जिंदगी है, ये कैसे कटेगी। और प्याज से याद आया कि मैं तो डीमार्ट से एक ट्रांसपेरेंट चश्मा लेके आई हूँ, लगाती हूँ पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कवर होता है, फिर काटती हूँ मैं प्याज, तो मुझे रोना आता ही नहीं है। ऐसे ही ज़िंदगी के लिए भी एक लकड़ी का चश्मा लगा लूँ आँखों में, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हमें क्या लेना देना, अपनी ज़िंदगी जियो, जितना है उसमें खुश रहो, और ज़्यादा चाहते हो तो मेहनत करो। लड़ के झगड़ के सड़ के कुड़ के जलन करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो ज्ञान लो, अमल करो और एंजॉय करो। तो यहाँ लगी थी मैं बनाने नाश्ता, बट क्या बना रही थी मुझे खुद नहीं पता था। ब्रिजेश जब डाइट पे थे तो कुछ एक तरीके का आटा लाए थे, मुझे मालूम नहीं था वो कौन सा आटा है, बट वो खा नहीं रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं सिंधी हूँ मैं इसके ढोड़े बना लेती हूँ। मैंने जैसे तैसे बना लिए, पर मुझे मालूम नहीं था कि मैंने क्या बनाया है। जब मैंने अम्मा को दिया खाने के लिए तब उन्होंने बताया कि मैंने रागी रोटी बनाई है, मतलब रागी के ढोड़े बनाए हैं। ठीक थे स्वाद में, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, चावल के बहुत ज़्यादा स्वाद देते हैं। अब यहाँ हरी लहसुन वगैरह मिलती नहीं है, तो जैसे बने वैसे ही बनाए और खा लिए, बट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सबको नाश्ता कराने के बाद मैं पहुंची कपड़े प्रेस करने के लिए। ये भी अपने आप में एक कला है। हमारी माँ ने सिखाया है कि कपड़े प्रेस करने से पहले जितने लोग हैं उनके सारे कपड़े अलग अलग कर लो। तो मैंने वीर के, वीरिका के, अपने और ब्रिजेश के, और बचे हुए कपड़े जो किचन के हैं, इनर गारमेंट्स हैं, उन सबको अलग किया और प्रेस किया। इससे प्रेस करना ईजी हो जाता है। इवन दो अगर आपने कोई बेडशीट वगैरह भी धोई हो तो प्रेस करते टाइम उसको नीचे लगा लो, नीचे वाली बेडशीट पर लगा लो, तो उसको अलग से आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऐसे ही प्रेस हो जाती है। बट मेरी माँ ने एक बहुत गंदी आदत डाली है कि किचन का कपड़ा भी ना प्रेस करके यूज़ करो, तो वही है, उसके बिना मज़ा नहीं आता। तो जितने कपड़े धुलते हैं सारे प्रेस होते हैं। यहाँ ब्रजेश का अपना ही सफाई अभियान चल रहा है, एक नया फाइल फोल्डर लेके आए हैं, काम की चीज़ें रख रहे हैं और बाकी की सारी फाड़ के फेंकते जा रहे हैं। कैसे हो वीर? ठीक हो? तबीयत ठीक है? मधु और मैंने प्लान बनाया था बाहर जाने का, थोड़ा मस्ती वस्ती करने का। जस्ट अभी फ्री हुई और ये बारिश शुरू, ऐसी गंदी वाली बारिश, बाप रे। ये तीसरी बार हो रहा है हमारे साथ। इंद्रदेव चाहते ही नहीं है अप्सराएं बाहर निकलें। मैं पिछले 1 बजे से ऐसे ही बैठी हुई हूँ खाली बेड पे कंबल के अंदर, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है ना एकदम ठंडा सा, ऐसा लग रहा है सर्दियों के दिन आ गए। एमपी में तो इतनी सर्दी तब चालू होती है ना दिवाली के बाद, ऐसा लगता है। यहाँ तो बारिश ही ख़त्म नहीं हुआ, तो दिवाली में भी पानी गिरता है, हम लोग दिए नहीं जला पाते हैं, हर बार इतनी तेज़ तूफान पानी आता है कि हमारे दिए बुझ जाते हैं। इस बार हो सका तो दिखाऊंगी आप लोगों को। हाँ तो क्या कह रही थी मैं, फालतू बैठे बैठे ना मैंने सोचा क्या करूं, तो मैं लिस्टिंग करने लगी उन सारे कामों की जो दिवाली तक हमें ख़त्म करने हैं। बहुत काम करवाना है घर में, घर तो बना लेते हैं, उसको मेंटेन करना भैया इतना आसान नहीं है।
तो हमारा जो बालकनी का स्लाइड डोर है उसकी नेट टूट गई थी, उसको हमने रिपेयर करवा दिया। ये लिस्ट में था बट ये हो चुका है। वॉशरूम के जो फ्लश थे वो ख़राब हो गए थे, वो भी हो चुका है। उसके बाद था पुट्टी करवानी है, क्योंकि दोनों वॉशरूम और किचन जहाँ जहाँ पे भी टैप दिए हुए हैं ना ऊपर वाले फ्लैट में, तो लीकेज की वजह से पूरा पैच पैच हो गया। उन्होंने ग्राउटिंग कराई तो अब पैचेस नहीं हो रहे, तो अब हम उसको पुट्टी करवा देंगे। पुट्टी, गीजर की सर्विस, वाटर प्योरीफायर की सर्विस, पूरे घर की लाइट चेंज करवानी है, क्योंकि दिखता ही नहीं है मुझे तो नॉर्मल ये वाली लाइट्स में तो बिल्कुल कुछ भी दिखता ही नहीं है मुझे। उसके बाद सोफे के जो कुशन है उसके अंदर का जो कपड़ा है वो फट गया है, वो मेरा काम है। मैं कपड़ा ला के सिल के वापस बनाऊंगी उसको। प्लांट्स, मेरे 5-6 प्लांटर हैं जिनके प्लांट्स सूख चुके हैं, उनको वापस से रिफिल करवाना है। बेडशीट ऑलमोस्ट ख़त्म है, अच्छी है नहीं। वैसे भी हम लोग दिवाली पे नई बेडशीट लगाते हैं, तो बेडशीट चाहिए, डोरमेट्स चाहिए, बाकी तो हैं सारे। वॉशरूम के थोड़े से पतले हैं और वहीं पे थोड़े से थिक चाहिए, तो वो लेने हैं। इतना सब करने के बाद अगर कुछ रोकड़ा बचा तो सफाई और कुछ आध डेकोरेशन का सामान ले लूँगी मैं। तो शायद आज से पुट्टी चालू होगी। आया था कोई बंदा देखने के लिए, अगर आ जाता है आज तो पुट्टी का काम तो आज करवा देंगे। पुट्टी का काम आज करवा देंगे। वॉशरूम हो चुका है, स्लाइड डोर हो चुका है, बाकी बाकी के बचे 7-8 काम अभी करवा लेंगे। 10-12 दिन में ख़त्म करने पड़ेंगे हमको। देखते हैं चलो क्या होता है। अभी तो तलब लगी है चाय की, दूध है नहीं। ब्रजेश को बोला है लाने के लिए। चाय पीऊँगी, आधा घंटा रेस्ट लूँगी, फिर काम पे लगूँगी। अभी जस्ट लिस्ट ख़त्म की और भैया आ भी गए पुट्टी के लिए। नहीं, आप करिए भैया का। कल का पेंडिंग था, गिरते लड़ते पड़ते हो गया। अब जा रही हूँ मैं चाय बनाने, चाय बना के पीऊंगी, इतने में बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन के, है ना? और उधर पुट्टी का काम भी चल रहा है। चलो भाई, रात को मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है? मैं आई थी किचन में चाय बनाने। ये मेरे किचन का हाल। अरे मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ खाने के लिए। फिर भी मैं बनाऊंगी चाय, फिर भी मैं बनाऊंगी। पर ये हमारे घर का चोर लगा है चोरी करने में। क्या चाहिए? पापड़। कुछ नहीं मिल रहा ना तुमको, है ना? कुछ नहीं मिल रहा ना, क्योंकि बस पापड़ खा। पापड़ भी नहीं दे सकते, गला खराब है तुम्हारा। मैगी, कुछ भी नहीं। हाँ मैगी दे सकती हूँ, लो चोर। जल्दी दे, जल्दी दे, जल्दी दे। अक्का से पूछो खाएगी क्या, अक्का से पूछो खाएगी क्या। यहाँ लगे भैया सफाई करने के लिए, और उधर लगी किचन में मैं सफाई करने के लिए। मुझे नहीं मालूम था इतने जरा से काम में पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। आज ये हाल है तो कल क्या होगा, सोच सोच के ही घबराहट हो रही है मुझे। बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, बहुत ज्यादा।
तो देखा आप लोगों ने, थोड़े से पुट्टी के काम में पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। जैसे ही उसको साफ करने गई और साफ करके जैसे ही खाना बनाना शुरू किया तो मिक्सर ने काम करना बंद कर दिया, और मुझे मालूम ही नहीं था कि मिक्सर चलेगा नहीं। जैसे जैसे आज का रात का तो सब्जी मैंने बना लिया, पर कल के लिए मैंने राजमा भिगो के रखे, वो नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे बनेंगे बिना मिक्सर के। तो कुछ न कुछ जुगाड़ ढूंढ ही लूंगी मैं, बट आज की एंडिंग अच्छी नहीं हुई क्योंकि मिक्सर पूरी तरीके से खराब हो गया। मुझे लगता नहीं अब वो चलेगा, तो अब लिस्ट में एक और चीज़ ऐड ऑन हो गई है, नया मिक्सर लाना पड़ेगा। तो बस इसी टेंशन के साथ मैं आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे खत्म। ये थोड़ा ठीक हो गया है, अब थोड़ी खांसी कम हो गई है, अब मैं ठीक ही नहीं कर अब नहीं कर रहा है, नौटंकी है। तो इसी टेंशन के साथ करती हूँ मैं आज का व्लॉग यहीं पे खत्म। मिलती हूँ आप लोगों से कल नए व्लॉग में। टिल देन, बाय।